बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर गाजियाबाद से, जहां पर गोविंदपुरम अनाज मंडी के गेट पर किसानों के द्वारा धरना दिया गया। धरना दिया जा रहा गोविंदपुरम, आपको बता दें कि ये बात सामने आ रही जहां पर अपनी मांगों को लेकर किसान कर रहे धरना प्रदर्शन। भारी संख्या में किसान गोविंदपुरम अनाज मंडी गेट पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद मौके पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। तो किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये गाजियाबाद से खबर, जहां पर गोविंदपुरम अनाज मंडी के गेट पर अब किसानों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और भारी संख्या में किसान आज इस गोविंदपुरम अनाज मंडी पहुंचे हुए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि धरने के चलते मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है, जहां पर पूरी तरीके से पुलिस के द्वारा इस पर नजर बनाई जा रही। गाजियाबाद से आप तक खबर पहुंचा रहे, गाजियाबाद से खबर जहां पर किसानों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अनाज मंडी में किसानों के द्वारा अनाज मंडी के गेट पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ संवाददाता जयवीर महावीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयवीर, तो आपको बता दें कि जयवीर महावीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयवीर, ये जो किसानों के धरना प्रदर्शन की बात कही जा रही है, जहां पर गोविंदपुरम अनाज मंडी पे गेट पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि जो किसान है उनकी मांग है कि जो मंडी समिति है कहीं ना कहीं जो किसान है उनके साथ धोखा कर रही है। जो हरियाणा के जो रेट है, यानी कि जो रेट है, जो दाम है, जो फसल के सब मिलने चाहिए थे वो रेट नहीं दे रहे हैं, और जिस तरह के जो आरोप, तमाम एक आरोप पत्र जो उन्होंने दिया है उसमें आरोप लगाए हैं कि जो मंडी समिति है वो धरना जो सेठ है, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनसे मिलकर जो किसान है उनका शोषण कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने यहाँ पर मांग दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रवेश जो द्वार है, यहाँ पर जो मंडियों की जो गेट है, इस मंडियों पर जो आड़ती हैं वो कब्जा करे हुए हैं, और इन आड़तियों की वजह से इन तमाम लोगों को समस्याएं होती हैं, चाहे वो उनकी आड़त को लेकर हो या फिर जो मंडी के जो सामान है, जो फल है, जो इस फसल को जो बेचने के लिए किसान आते हैं उनको, उनका जो शोषण किया जाता है, उनसे जो अवैध उगाही एक तरह से की जाती है, उस उगाही का विरोध भारतीय किसान संगठन जो यहाँ पर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो किसानों के साथ जिस तरह से जो मंडियों में जो आड़तियों का कब्जा है, जिस जो आड़ती हैं वो किसानों से जो पैसे जो शुल्क वसूली करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। उनका कहना है कि जो अन्य जगह की जो मंडियां हैं उन मंडियों के हिसाब से शुल्क लिया जाए, और जो दाम है, जो मंडियों जो फसलों की जो कीमत है वो कीमत उन्हें उन अन्य मंडियों के हिसाब से दी जाए, जबकि जो कि यहाँ पर नहीं मिल रही है। और किसानों की जो समस्या थी, काफी लंबे समय से ये समस्या चल रही थी, जिसको लेकर जो किसान संगठन है भारतीय किसान यूनियन, जैविक इस पर अभी तक किसी भी प्रकार के, जहाँ किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या इस पर अभी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है प्रशासन की? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी के जो पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, और जो किसान हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वो यहाँ से धरना प्रदर्शन हटा ले, क्योंकि मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो मंडी है मुख्य मार्ग पर है, जिसको चलते यहाँ पर काफी लंबा जाम भी लगा हुआ है। तो अभी किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात होगी, किस तरह का आश्वासन प्रशासनिक अधिकारी इन किसानों को देंगे, और जो मांगे हैं वो मांग कितनी इन किसानों की पूरी हो पाएंगी। जब तक किसानों की मांग नहीं पूरी होंगी तब तक किसान यहां से हटने वाले नहीं है, ऐसा किसानों का कहना है। और सड़कों पर, क्योंकि दिल्ली और हापुड़ गढ़ मार्ग मुख्य मार्ग है जिस पर लंबा जाम भी लगा हुआ है, तो संभावना है कि कहीं ना कहीं पुलिस इस जाम के बाद जो किसान है उनके खिलाफ सड़क जाम करने के धाराओं में भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, जैसा कि अन्य मामलों में भी होता है। हालांकि अभी संभावना है, अभी इस तरह की कोई जानकारी पुलिस प्रशासन की तरफ से भी नहीं दी गई है, और जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद जयवीर। तो आपको बता दें कि ये आप तक अहम जानकारी हमने पहुंचाई, जहां पर अपनी मांगों को लेकर किसानों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किसान गोविंदपुरम अनाज मंडी गेट पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर भारी संख्या में किसान जुटे हुए हैं, जिनको लेकर उनकी मांगे ना पूरी करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और मांगे पूरी ना होने पर आगे भी ये धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, गोविंदपुरम अनाज मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।